जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दिल्ली में अगले 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के चलते तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में उनकी पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आम आदमी के 5 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह भदूड़ी, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीरेन सचदेवा और बीजेपी नेता अरविंद सिंह लवली भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने कल रविवार को बीजेपी ज्वाइन की है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीरेन सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के सभी 5 पार्षदों को भगवा पहनाकर बीजेपी में शामिल करवाया। इस कार्यक्रम में जो बीजेपी नेता अरविंद सिंह लवली मौजूद थे, यह 3 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और ये दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। जो ये 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनमें रामचंद्र दूसरी बार, बवाना साबा डेरी वार्ड 28 से पार्षद चुने गए हैं, वो पहले विधायक भी रह चुके हैं। पवन सहरावत बवाना के वार्ड 20 से पार्षद हैं और मंजू निर्मल वार्ड 180 से पार्षद हैं। सुगंधा भदूड़ी तुगलकाबाद के वार्ड 178 से पार्षद हैं, जबकि ममता पवन वार्ड 177 से पार्षद हैं। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीरेन सचदेवा ने कहा कि इन पार्षदों का आम आदमी पार्टी में दम घुट रहा था। उनका यह आग्रह था कि हम अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें भ्रष्टाचार और भीड़ इकट्ठी करने का साधन बनाकर रख दिया गया। वो देश की मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना चाहते हैं और वो देश के पीएम मोदी के विकास कामों को महत्व देना चाहते हैं, और वो मानते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में काम हुआ है, वैसा ही दिल्ली में भी होना चाहिए, और इसी सोच के साथ वो बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज़ कर दी है और पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क और कार्यकर्ताओं से बातचीत करके पार्टी के लिए अच्छा माहौल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी रहता है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी को केवल 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को तो एक भी सीट नहीं मिली थी। इसलिए आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में हराना इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पिछली बार की 8 सीटों से बढ़त लेकर 36 सीटें जीतनी होंगी, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। थैंक यू।